दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बांग्लादेश बीस पाकिस्तान इन वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने ही धरती पे इतना बुरी तरीके से हराया। अभी पाकिस्तान का सीनियर प्लेयर जो है, लोग इतना रोना रह रहा है। कोई बोल रहा है पिच खराब है, ऑस्ट्रेलियन पिच का ये है, मतलब कुछ भी बहाना, बहाना ही बहाना, इनका बहाना कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इनका जो असल प्रॉब्लम है उसमें तो उनका कोई ख्याल है नहीं, बस ऐसे ही बहाना 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 करते रहेंगे। फिर ये लोग जो इतना गंदा खेला है वो अपनी होम टर्फ में, वो भी इनको समझ में नहीं आता है। कौन है 146 में आउट हो जाता है रे भाई, ऑल आउट? फिर हारोगे तो क्या, क्या यहाँ से मेडल लेके जाओगे क्या? तो बात यही है। फिर वकार रेवन्यू सिंह का क्या, असिस्टेंट कोच ने क्या था वो, उसको हटा के उन लोगों ने फिर उसको मेंटर रख दिया। मतलब इन लोग इतना लालच है कि कोई अपना पोस्ट छोड़ना ही नहीं चाहता है। जेसन जिलेस्पी को अगर कोच बनाया वाइट बॉल का तो उसको खिलाने दो ना, ये हेड कोच, ये असिस्टेंट कोच, ये है लसुन वसुन बनता रहेगा। और इसमें टीम में खाली एक रिजवान मौलवी बुल्लड़ वो जो बीच में दिख रहा है, तो आधा पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम ये है, इसने ही थोड़ा अच्छा खेला, बाकी तो 0-0-0। फिर बांग्लादेश ने जो खेला बहुत अच्छा खेला। राशिद लतीफ बोल के एक है उनका क्रिकेटर, वो थोड़ा सेंसिबल लगता है, लेकिन उसको ये लोग खिलाते नहीं, उसको मतलब वो इंडक्ट नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसके साथ। फिर उनका जो डॉक्टर है नुमान नियाज, वो भी बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिजियो, मॉडर्न क्रिकेट, इसके बाद इनका ये सब, लेकिन उसको भी ये लोग रखता नहीं है। फिर टीवी में बैठ के वो एक अहमद शहजाद है, वो इन लोगों को पिलता रहता है, बाबर आजम को। फिर ये तनवीर अहमद, वो कब से बाबर आजम सपोर्ट करता रहा करता रहा, लेकिन ये क्या करेगा, सपोर्ट करके क्या करोगे भाई, खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश का टीम जो है उनका घर में इतना प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने जीता है। तुम लोग जाके डूब मरो, जाओ कहीं इसमें जाओ, जाके बम लगा के फाड़ फूट के ख़त्म हो जाओ, तुम लोग खेलने का क्या ज़रूरत है, काहे के लिए टाइम पास करता हो, खुद का भी दूसरों का भी, शर्म तो आता नहीं। बांग्लादेश ने पहला इनिंग्स में लीड लिया था 110 रन का, 110 या 116 रन का, फिर उन्होंने उनको टारगेट दिया 146 में सारे आउट हो गए, तो 116 में से 30 रन इनको करना था। बांग्लादेश ने वो 2 विकेटों के नुकसान से भी कर देते हैं। वो उमर अफजल बोल के इसका यूट्यूबर, वो ठीक ठाक बोलता है, और एक क्रिकेटिस्तान का एक बंदा है वो भी, साला कराची का है, वो भी इंडियन ओरिजिन मुस्लिम है, वो हमें जाके मुहाजिर है, वो भी ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसका क्या है ना, उसका कोई भरोसा नहीं कब वो पलट जाए, उसका हरकत ही ऐसा लग रहा है। फिर कभी ये कभी वो, इसको दोसो इसको कोसो, फिर बीच में आ जाता है इंडिया खराब। इस बार मैंने सुना नहीं इंडिया के चलते उन्होंने हारा है, ये बात भी आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों, फिर उनको इस तरह पेलते रहेंगे। चलो।